जब जब होई धर्म के हानि पारही असुर अगम अभिमानी करयनीति जाई नहीं परली सीधहि विप्र धेनु सुर धरिनी तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन तीरा। जब जब धर्म की हानि होती है नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। वह गहु वेद पाठी ब्राह्मणों पृथ्वी और सज्जन लोगों को ऐसे जघन्य कष्ट देते हैं जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब वह ईश्वर कृपा के सागर तरह तरह के शरीर धारण कर इन सब के दुख दूर करते हैं। दादा भगवान किसे कहते हैं? बेटा शंकर जी के शब्दों में चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ज्ञान बिनु पास अशेषा असि सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं पर। भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सारे काम करते हैं, बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आंखों के सब देखते हैं, बिना नाक के सभी खुशबू सूंघते हैं। उस भगवान की लीला अलौकिक है जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री कल्कि। मेरा नाम मेघना गोयल। मैं रमनी अग्रवाल। साथियों साधना चैनल पर प्रसारित होने वाले ये इस कार्यक्रम कल्कि जी मेरे दोस्त जय श्री कल्कि के शुभारंभ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेघा दीदी क्या आप कल्कि जी के बारे में विस्तार से बताएंगी? हाँ, कल्कि भगवान महाविष्णु के अंतिम अवतार हैं। महाविष्णु जो भारत की इस पुण्य भूमि पर सत्य धर्म और सज्जन लोगों की रक्षा के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। हर युग में वो कैसे? ये बताने के लिए कल्कि जी के बाल सखाओं की एक टीम आपके सामने लेकर आ रही है नित्य प्रस्तुति दशावतार। हे देवगण, जब कली का प्रहार और भक्तों की पुकार अपने चरम पर होंगी, माँ वैष्णो की तपस्या पूर्ण होगी, तब मेरे नारायण प्रभु श्री राम समय के बंधन को तोड़कर कल्कि रूप में पृथ्वी का भार उतारने गौ विप्र धर्म की रक्षा करने अवश्य आएंगे। भक्तों की पुकार ही मेरे प्रभु की परम शक्ति है। अर्थात जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब श्री हरि अपने अनेक अवतारों में प्रकट हुए। Da 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 da
जिस प्रकार हमने महाविष्णु के 9 अवतारों के तेज को देखा, इसी प्रकार भगवान विष्णु अपने समस्त रूपों के तेज को लेकर 64 कला संपूर्ण कल्कि रूप में हमारी रक्षा करने हेतु कलयुग का संहार करने आ रहे हैं। वाह कल्कि जी के दोस्त, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। मुझे इन छोटे छोटे दोस्तों के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है। इन्हें देखकर मुझे राम अवतार के रीच वानर और कृष्ण अवतार के बाल ग्वाला सखा याद आ गए। तुमने ठीक पहचाना रमनी, राम और कृष्ण की तरह यह कल्कि जी के बाल सखाओं की कल्कि बाल वाटिका है। यहाँ 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों को सनातन धर्म की जानकारी देने के लिए खेल खेल में संस्कार रोपण किए जाते हैं। मुझे भी बाल वाटिकाओं के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही है। मुझे भी रमनी, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मामा जी को। मामा जी, जय श्री कल्कि। जय श्री कल्कि। सभी दर्शकों को भी जय श्री कल्कि। मामा जी, आपको कैसे ख्याल आया बाल वाटिकाओं का और ये कैसे कार्य करती हैं? मेरी कंपनी 1972 से कैन साउंड सिस्टम एक्सपोर्ट कर रही है। इसमें इसे केंद्र राज्य सरकार से 11 एक्सपोर्ट अवार्ड मिले। इस सिलसिले में मुझे विदेशों में काफ़ी रहने का मौका मिला। मेरे गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अवतार महर्षि लक्ष्मी नारायण जी दिव्य दृष्टि संपन्न थे। उनसे प्राप्त ज्ञान व शक्ति के आधार पर मैंने विदेशों में पाया कि अब वह दिन दूर नहीं जब मेरा भारतवर्ष भी अंग्रेजियत के रंग में रंग कर कामनी कांचन, गोल्ड एंड वूमेन, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की राह पर चलकर इनकी तरह संस्कार विहीन हो जाएगा। तो मामा जी, क्या आपने वहाँ से कोई संस्कारों की गोली या इंजेक्शन लिए और फिर अपनी बाल वाटिकाओं में दिए? नहीं, संस्कार के ना तो वहाँ पर कहीं गोलियाँ इंजेक्शन मिलते थे और ना भारत में मिलते हैं। चौतरफा हार कर 1989 में मैंने दिल्ली में अपने चांदनी चौक ऑफिस में बच्चों की बाल वाटिका की शुरुआत की। इसमें 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों को मैंने गणेश जी, दुर्गा जी, कल्कि जी की पूजा के फायदे बताते हुए मैंने उनसे पूजा कराई और उनके प्रश्नों के जवाब दिए। तो इसके लिए तो आपको बच्चों के माता पिता का बहुत सहयोग मिला होगा। नहीं बिटिया, अंग्रेजियत के दौर से गुजर रहे माता पिता ने कम, इनके दादा दादी ने इनसे ज़्यादा साथ दिया। माताएं ये चाहती थीं कि हमारे बच्चे धर्म विद्या में नहीं अंग्रेजियत में दक्ष हों। इनमें से हमें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा और अंत में नतीजे बहुत अच्छे मिले। चलिए मामा जी, अंत भला तो सब भला। अब आप ये बताइए कि इन बाल वाटिकाओं में आप क्या कराते हैं और कैसे कराते हैं? हम बच्चों को 11 बार ओम की ध्वनि द्वारा उन्हें मेडिटेशन करना सिखाते हैं, जो उनके विद्यार्थी जीवन की पढ़ाई में एकाग्रता लाने की नितांत आवश्यकता है। उन्हें क्राफ्ट वर्क, हवन करना, नाम जाप करना और छोटी छोटी वीरों की एवं प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर
उन्हें धर्म से जोड़ा जाता है। धर्म से जोड़ने पर क्या रुपया आ जाएगा? धर्म से जोड़ने से भगवान से प्रेम बढ़ता है। इससे बच्चों के मन में माता पिता, अध्यापकों और देश के प्रति आदर भाव जागृत होता है। लेकिन मामा जी, बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्र और समाज की भक्ति भी तो नितांत आवश्यक है। आप तो औरों की तरह धर्म और अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति बहुत सजग हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं। वास्तव में प्राचीन संस्कृति और नई टेक्नोलॉजी में तालमेल सिखाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे बच्चे इंटरनेट, खेलकूद, टीवी, मोबाइल के साथ अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों को उपहार न दो तो कुछ समय रोएंगे, लेकिन संस्कार न दें तो जिंदगी भर रोएंगे। आओ दिखाते हैं कल्कि जी मेरे दोस्तों के द्वारा इसकी एक झलक। पहले होते थे संयुक्त परिवार, जिसमें दादी नानी के साथ जाते थे मंदिर। ओम जय जगदीश हरे। सुबह जल्दी उठकर करते थे सूर्य नमस्कार।
अधर्म पर धर्म की विजय सिखलाती थी। महाभारत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक खेल में ही मिल जाता था अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान। कहाँ है ये सब? सूरज को जल चढ़ाना, पीपल की पूजा, मंदिर जाना, अंधविश्वास है। तो फिर वैलेंटाइन, क्रिसमस, टैरो कार्ड, फेंगशुई, ये कौन सा विश्वास है? ये तो आज का कल्चर है, बाकी सब रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद ही कहकर भुला दो अपनी सनातन सभ्यता और संस्कृति, धर्म को जिस पर विदेशी प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास तुम्हें कौन बताएगा धर्म, संस्कृति, संस्कार क्या होते हैं? तुम जो खो रहे हो उसका तुम्हें आभास भी नहीं है। बस इतना जान लो कि शाख से टूट के कुछ खिला नहीं करते। तो बताओ ना। जानना चाहोगे अपनी अमूल्य धरोहर को? मिलना चाहोगे अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास से? हाँ दादाजी। हाँ, जरूर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन पहले मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई कल्कि भगवान का नाम लेकर लोगों को पदभ्रमित करे, उसका दुरुपयोग करे, तो क्या सभी कल्कि का नाम लेने वाले गलत हो जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा भी यही मानना है। तो अगले धारावाहिक में शास्त्रोक्त और प्रामाणिक विस्तार से चर्चा करेंगे मामा जी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कल्कि। फाउंडेशन का जो काम है वो बच्चों में संस्कारोपण करना है। पूरे भारत में हमारी 73 के करीब बालवाटिकाएँ चल रही हैं, अकेले दिल्ली में ही 25 के करीब हैं, ऐसे भी ज़्यादा होंगी बालवाटिकाएँ चल रही हैं। तो हम उनमें संस्कार डालते हैं, कॉन्वेंट एजुकेशन के साथ
उनमें संस्कारों के बीज डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये भी एक क्वेश्चन हुआ था कि हमारा भी 30 दिसंबर 2018 में एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें एक बच्चे ने प्रश्न किया, हमारे ही बच्चों ने, कि मम्मा आप लोगों के बाद तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, विरासत क्या है। तो ये बात मतलब बहुत हमें हिट की कहीं ना कहीं कि हमारे बाद तो इन्हें कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि हमारी संस्कृति क्या है, विरासत क्या है। तो बस वही बच्चों में संस्कार के बीज हम अपने इन बाल वाटिकाओं के वर्कशॉप्स के माध्यम से बच्चों में डालते हैं, ताकि उन्हें पता चले अपनी जो है प्राचीन संस्कृति, सभ्यता। तो हम कोई मतलब ये नहीं है कि रूढ़िवादी हैं या नएपन को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप इनोवेशन का ज़माना है, आप जो आजकल चल रहा है उसके साथ अगर आप अपनी पुरानी सभ्यताओं को हम अगर जीवित रखते हैं, उन बच्चों को संस्कार देते हैं, तो बस यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, हर धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। दधीचि ऋषि ने धर्म के लिए रीढ़ की हड्डी दी थी, बंदा बैरागी ने धर्म के लिए तिल तिल तन कटवाया था, राणा प्रताप ने देश और धर्म के लिए घास की रोटी खाई थी, झांसी की रानी ने देश और धर्म की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रार्थना, धर्म और देश की प्रगति में रुकावट ना बने। हमने पाया कि धर्म के काम में रुकावट डालने से वृंदावन में शाहजी के मंदिर का मुनीम अंधा और कोढ़ी हो गया था। आज भी वृंदावन में शाहजी के मंदिर में मुख्य द्वार पर मुनीम की आदमकद मूर्ति माफी मांगते हुए बनी है कि मुझे माफ कर दो, मैं धर्म के काम में रोड़ा अटकाने से अंधा और कोढ़ी हो गया। मंदिर में घुसते ही मुनीम फर्श पर लेटे हुए चित्रण है, जिस पर लोग पैर रखकर निकलते हैं। जिज्ञासु संपर्क करे शाहजी मंदिर लाइट संचालक सत्तू, फोन नंबर 7078519557। ऐसी ही कलयुगी शक्तियां कल्कि जी के कार्यों में रोड़े अटकाती हैं। देखें, अग्रोहा धाम में महालक्ष्मी के बराबर बन रहे श्री कल्कि संग्रहालय में कलयुगी शक्तियों ने बीम कटवा दिए, पर मामा जी और उनके पैनल ने 5 अक्टूबर 2017 को सांसद सुभाष चंद्रा सुपुत्र श्री नंदलाल गोयनका जी से गुहार की। इस पर उन्होंने संग्रहालय को पुनः बनाने का आश्वासन दिया। उसके बाद इंतजार। आम के आम, गुठलियों के दाम। प्रिय दर्शक गण, यदि आपको हमारा 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों के खेल खेल में संस्कार रोपण कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, तो इसे चालू रखने के लिए जो श्रद्धा से दान देंगे उसमें आपको इनकम टैक्स से 50% की छूट मिलेगी, क्योंकि हमारी संस्था 80G के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। हुआ ना आम के आम, गुठलियों के दाम। दान से सहयोग, इनकम टैक्स में छूट भी। अकाउंट नंबर ऑफ श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन 3315529809, IFSC कोड SBIN 000631, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक दिल्ली, पिन कोड 11006। अधिक जानकारी के लिए भगवान श्री कल्कि का साहित्य पढ़ें।